हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर भुजाओं का लंब समद्विभाजक पढ़ रहे हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझें। मैं ज़रूर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को ध्यान में रखता हूं। आपका फ़र्ज बनता है कि आप दोनों चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें। केवल हिंदी में नहीं बोलता, केवल इंग्लिश में नहीं बोलता, मैं दोनों चीज़ों को बराबर बोलता हूँ। पिछली क्लास में ये समस्याएं आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने हर चीज़ को इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सब चीज़ों के बारे में मैंने बोला है। आप ध्यान से सुनोगे ना तो वो चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कम सेंटर या परिध जो केंद्र होता है उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और प्रैक्टिस का सेशन आज रहने वाला है। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने पूरे कॉन्सेप्ट जनरेट करवाए थे कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो जो सर्कमफेरेंस बोले तो परिधि पर जो केंद्र कोण बनता है उसका क्या होता है, डबल होता है। बताया था ना आपको, अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। आप पीछे जो भी क्लासेज हुई हैं उसको आप रिवाइज करोगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझो ज़रा। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, सर्कल एक ट्रायंगल खींच रखा है। ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है, ये है ए है, ये है बी और ये है सी। ध्यान से सुनते रहना। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर बोले तो परित्रिज्या है। तो परित्रिज्या होगा तो सर मुझे बताओ परित्रिज्या के बारे में क्या बोला गया था। जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर ये जो होता है, ये इसको मैं लिख देता हूँ, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर जिसको बोलेंगे परित्रिज्या, परित्रिज्या। परित्रिज्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी परित्रिज्या नहीं, परिकेंद्र बोलेंगे ना, परिकेंद्र। परित्रिज्या तो इन सर्कम रेडियस हो जाएगा। परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सर ये तीनों शीर्षों से जो वर्टिसेज हैं इनसे इक्वी डिस्टेंस होता है, समदूरस्थ होता है। तो सम दूरस्थ होता है तो मुझे ये बताओ कि सर ये वाला जो एंगल होता है 2A बता दिया था मैंने, ये A है तो ये कितना होगा 2A, ये वाला कितना होगा 2A। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर ये वाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि तीन वर्टिसेज हैं, तीन शीर्ष हैं, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो समान दूरी पर होता है, मान लीजिए कि अगर मैं कह दूँ कि सर ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। क्यों, समान कोण के सामने की साइड जो एंगल होगा वो सेम होगा, तो उसके सामने का जो साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखो अल्फ़ा के सामने ये है, आर है, कैपिटल आर है, तो इस अल्फ़ा के सामने ये भी क्या होगा, आर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल होता है वो बिल्कुल इक्वल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज के प्रश्न में ये सब चीज़ों का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसको मिटाता हूँ और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है, उसको बहुत ध्यान से सुनो जरा। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए जरा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का वक्त दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहो और मैं फिर इस प्रश्न को समझाता हूँ। देखिए कंडीशन क्या है, मैं आपको इस प्रश्न को समझाने के लिए इस छोटी सी डायरी का प्रयोग कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, हालांकि ये क्वाड्रिलेटरल की तरह है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कंडीशन क्या है कि सर एक पोल है इस तरीके से बीच में गड़ा हुआ है। आप समझना इस बात को, अच्छे से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए ये पोल बीच में क्या हुआ, इस तरीके से गड़ा हुआ है, लगाया हुआ है, और सर इसके शीर्ष जो ये वाला यहाँ से है, समझना ज़रा, मैं इस तरीके से कैसे पकड़ूँ, यहाँ से ये वाला जो एंगल है, समझना ज़रा, यहाँ से इस शीर्ष से ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या है, दोनों इक्वल है। एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है किसी दूर की ऊँचाई की वस्तुओं को देखने के लिए मुझे जितने डिग्री जीरो बनाना पड़ता है, जितने डिग्री एंगल बनाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब समझना फिर से, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से ये प्लेन है,
कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कर रखा है कि पोल बना रखा है, और ये एंगल यहाँ पे कोई एक शीर्ष से ये देख रहा है, दूसरे शीर्ष से देख रहा है, तीसरे शीर्ष से देख रहा है। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो यही है कि सर कंडीशन ये है कि ये ट्राइंगल हमने बना रखा है, ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, यहाँ पर इस तरीके से हमने कोई पोल इस तरीके से बना रखा है। ध्यान रखना पोल एक ही है तो उसकी लंबाई क्या होगी, फिक्स होगी। हमने इस तरीके से यहाँ पोल बना रखा है, पहला आदमी जो है मान लीजिए यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे समझाने में लेकिन समझ लेना, यहाँ से इसको देख रहा है। तो मुझे बताओ कि सर ये वाला तो बेस हो जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, बेस है, और ये वाला जो है यहाँ पे पोल इस तरीके से गड़ा हुआ है, इसी तरीके से ये वाला भी क्या है इसका बेस है, इसी तरीके से ये भी क्या है इसका बेस है, और पोल यहाँ पे गड़ा हुआ है और लोग यहाँ से देख रहे हैं इसको, कोई भी आदमी देख रहा है। तो मुझे बताओ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, समझना जरा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि मान लो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ से कोई एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये बात समझ दी। तो यहाँ बोल रहा है कि सर यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है, अल्फा मान लो बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, ये वाला अल्फा है, तो ये वाला भी एंगल कितना है, अल्फा है, ये वाला भी एंगल कितना है, अल्फा है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात, कि इस चीज़ को देखने के लिए इस शीर्ष से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। ये पोल ध्यान से सुनना जरा, ये ऐसे है, ये आपको दिखाई एक सतह में दे रहा है लेकिन ये हिसाब से यहाँ से इस तरीके से बन रहा है, तो ये अल्फा, इसके इसको देखने वाला जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। अब समझना जरा, यहाँ बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तीनों क्या है, समान है, समान है। तो हमने बोला कि सर मुझे बताओ कि अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया हुआ हो और ये अल्फा हो, ये पी है, ये एच है और ये बेस है, तो टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा जो होता है वो होता है पी अपॉन बी, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटन बेस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सर टेन अल्फा जो होगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, समझना जरा, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये लंब यही तो है, पोल ही तो है, तो हम कहेंगे सर पोल है, अपॉन बेस कितना है, भाई इस खड़ी वाली चीज़ को देखने के लिए मैं नीचे जितना बेस होगा वही तो कहलाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये पोल जो गड़ा हुआ है वहाँ से शीर्ष के बीच की ये वाली जो दूरी दिखाई दे रही है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमने इसको x मान लिया, सपोज करो x मान लिया, लेकिन बोला गया है कि सर कंडीशन ये है कि पोल की दूरी तो अपने क्या है, फिक्स है, पोल की ऊंचाई फिक्स है, पोल की ऊंचाई फिक्स है, टैन अल्फा जो है वो भी फिक्स है। तो ऐसी बात बताओ मुझे ज़रा कि यहाँ पर टैन अल्फा अगर बराबर है, ये भी टैन अल्फा बराबर है, आपने बोल रखा है कि पोल की लंबाई भी फिक्स है, पोल की लंबाई भी क्या है, फिक्स है, तो दोनों कोण बनाना बराबर होने के लिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ये एक्स ही होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, बस आंसर आ गया भाई। पोल फिक्स है, टैन फिक्स है, तो इसका मतलब कंडीशन ये है कि टैन अल्फा दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, तो ये फर्ज बनता है कि सर यहाँ पर जो बेस है, बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, वही दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि जो दूरी मान लीजिए यहाँ पर x सेंटीमीटर है, या x मीटर है, ये x मीटर है, ये भी x मीटर है, तो ऐसा किस में होता है, जब तीनों शीर्षों से, तीनों वर्टिसेस से जो इक्वल डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है, बोले तो परिकेंद्र कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोल है ना वो परिकेंद्र सरकम सेंटर पे गड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि एक पोल गड़ा हुआ है इस तरीके से, एक पोल गड़ा हुआ है और आपने इस शीर्ष से आपने देखा कि सर ये वाला जो बीच वाला एंगल है, समझना जरा, ये जो एंगल है यहाँ से इसके बेस से, ठीक है ना, इसके बेस से ये वाला यहाँ एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है, वो यहाँ दूसरे शीर्ष से भी इतना ही बन रहा है, वर्टिसेस से बन रहा है, पहले वर्टिसेस से भी सेम बन रहा है, यहाँ से अल्फा बन रहा है, यहाँ से अल्फा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सर परपेंडिकुलर बट अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर के रूप में कौन है, पोल क्या है, खड़ा है, परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस क्या है, आप उस वर्टिसेस से जो पोल गड़ा हुआ है वहाँ तक जाओगे तो वो क्या होगी, बेस कहलाएगा, तो ये बेस हो गया। बोला है कि सर ये सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है, तो पोल फिक्स है अपॉन एक्स, ये भी इसको, ये वाली दूरी को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि ये टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो एंगल बराबर होने के लिए पोल तो फिक्स हो गया, एक्स को ही बनना पड़ेगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट यहाँ होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये तभी हो सकता है जब तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो, वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर, परिकेंद्र कहलाएगा। थोड़ा सा टाइम लेने वाला और अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ, आप इसको देखोगे समझोगे तो हो जाएगा, क्लियर है, चलो।
क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो पढ़ो जरा क्या प्रश्न बोला गया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ध्यान से सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोला गया है दिखाई दे रहा है आपको। बोला गया है यदि बिंदु ओ ट्राइंगल इसका परिकेंद्र है, ओके, तो हमने एक सर्कल बनाया हमने, इसके अंतर्गत हमने क्या बना दिया इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा है, यू वी डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, ध्यान रखना ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। अच्छा इसको हमने क्या बोल दिया, ओ क्या है सरकम सेंटर है, ठीक है। और बोला गया ओ यू वी, अब समझो जरा यहाँ से हमने क्या कह दिया, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, हमने इसको मिला दिया, हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र, ठीक है परिकेंद्र है ये। अब बोला गया है कि सर ओ वी यू, ओ ओ ओ ओ वी यू ये वाला एंगल और यू डब्ल्यू वी, यू डब्ल्यू वी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना जरा, इस प्रश्न को सॉल्व करने कई मेथड हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने कई मेथड हैं, मैं आपको समझाता हूँ दिखाता हूँ और ध्यान से सुना जरा। मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये पता है कि नहीं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर टू अल्फ़ा। अरे बोलो मानते हो ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। ये अगर यहाँ पर अल्फ़ा एंगल पूरा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर टू अल्फ़ा हो जाएगा, टू अल्फ़ा हो जाएगा, टू अल्फ़ा होगा। अच्छा टू अल्फ़ा होगा तो हमने बोला कि सर अब क्या करें, तो ये त्रिभुज कौन सा है, ये वाला समझना जरा, ये ओ है पॉइंट ओ वी यू में, ओ वी यू में ध्यान रखना क्या होगा, तीनों कोणों का योगफल बराबर होगा। और ये ध्यान रखना कि ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, बात हो चुकी है, ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, अभी क्लास से स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था कि क्या होता है ये दोनों इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि सरकम सेंटर है और सरकम रेडियस है, इस वजह से परित्रिज्या है। तो अब कंडीशन ये है कि सर 180 में से 180 में से 2 अल्फा घटाएंगे तो इन दोनों का योगफल आएगा, V और U का योगफल आएगा, एंगल V प्लस एंगल U का जो सम आएगा वो 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन ये होगा, समझना जरा। तो 180 माइनस 2 अल्फा हो गया, ये दोनों का योगफल हो गया। आप कोशिश कीजिए समझने की, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको एंगल मान लूँगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन U और V दोनों बराबर हैं, U और V दोनों इक्वल हैं, इक्वल दोनों हैं तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि इक्वल इक्वल का मतलब 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 करूँगा तो कंडीशन हो जाएगी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, मतलब ईच जो एंगल है ये वाला भी कितना है 90 माइनस अल्फा है और ये वाला भी एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा है। अरे कलाकारों दोनों को जोड़ोगे ना तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा 180 माइनस 2 अल्फा और 2 अल्फा कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो कंडीशन है कि पूछा गया है कि सर इसका और इसका सम कितना होगा, तो ये कितना है अल्फा है और ये कितना है 90 माइनस अल्फा है, तो मुझे बताओ अल्फा से अल्फा कट गया कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 90, और ये हमेशा फिक्स होता है, ध्यान रखना ये हमेशा फिक्स होता है। कुछ लोगों को ये बात मेरी समझ में नहीं आई होगी, मैं ये मानता हूँ जो SSC या तैयारी अच्छे लेवल कर रहे हैं ना उनको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ कलाकारों को नहीं समझ में आया तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसका दूसरा मेथड करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। एक ही रीजन है नहीं समझ में आने का कि आपने ढंग से या तो नोट्स नहीं बनाए हैं या आपने इसको सीरियसली लिया नहीं है, ठीक है ना। एडवांस पढ़ने वाले लोगों की संख्या वैसे ही कम है, आप लोग देख लो अपने हिसाब से। हमने बोला कि सर मान लीजिए कि ये वाला ट्राइंगल, एक सर्कल में एक ट्राइंगल हमने इस तरीके से कर रखा है और ये यू है, ये वी है और ये डब्ल्यू है, ठीक है ना। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला दिया, ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। हमने कह दिया कि सर मान लीजिए कि इसको कोई भी एंगल ले लो जो मन में आया, मैंने कह दिया सर ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा सर 100 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ। अब 100 डिग्री है तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये 100 है तो इसको कितना होना पड़ेगा 40 डिग्री और इसको भी कितना होना पड़ेगा 40 डिग्री, बोलो होना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 50 और 40 कितना हो गया, 50 प्लस 40 कितना हो गया 90 हो गया। आप कोई भी वैल्यू लोगे ना 90 ही आएगा। मान लीजिए आप लिखते हो कि सर मुझे तो यहाँ
पे लिखना है, या मान लीजिए कि मैंने बोल दिया 70 डिग्री है, सपोज करो 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 140। 140 डिग्री हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा सर, 20 डिग्री होना पड़ेगा, और इसको भी कितना होना पड़ेगा, 20 डिग्री। जिनको ये 20-20 समझ में नहीं आ रहा है खेल, वो लोग इस क्लास को शुरू से देखें, समझ में आ जाएगा। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू लोगे ना, आपको 90 डिग्री ही दिखेगा, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ वाला और यहाँ तक का योगफल कितना होता है, 90 होता है। आगे बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन दमदार था, उसके बाद तो ये जनरल सा क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, पी क्यू आर का सरकम सेंटर है। ओके, सरकम सेंटर है तो हमने बोल दिया कि सर सरकम सेंटर बनने दो, ठीक है, सरकम सेंटर। तो इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से मिलाया, पी क्यू आर, पी क्यू और आर का सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर ओ है। यदि क्यू पी आर 55, क्यू पी आर ओके, क्यू पी आर ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का है। और क्या दिया हुआ है, क्यू आर पी 75, क्यू आर पी ये 75 डिग्री का है, 75 डिग्री का है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है ओ पी आर, ओ पी आर देखो ना ज़रा, ओ पी आर, ओ ये ओ है, इसको मैं मिला देता हूँ इस तरीके से, ओ पी और आर, ठीक है। ये वाला एंगल पूछा है यहाँ तक, ये वाला एंगल पूछा है, ये कितना होगा, ठीक है ना। अब समझना ज़रा क्या है, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या कंडीशन है। ये वाला एंगल मैं पहले देता हूँ बाहर, कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, 55 डिग्री। दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले तो ये क्लियर करो, 55 डिग्री का है। मैं थोड़ा सा दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, 55 डिग्री है। तो मुझे बताओ कि कंडीशन ये है कि अगर 55 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 110 हो जाएगा डिग्री, बोलो 110 डिग्री हो जाएगा। ऊपर 55 है तो ये 110, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 75 का डबल कितना होता है, 150 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आ रही होगी बात। अच्छा, ये समझना जरा कि यहाँ तक का एंगल पता चल गया, यहाँ तक का एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया आपको, तो 150 110 कितना हो जाता है, 260। तो ये कितना हो जाएगा, 260 डिग्री हो गया है। तो 260 डिग्री में 360 में से 260 घटाओगे तो कितना घटेगा, 100 डिग्री, बोलो 260 डिग्री कितना होगा, 100 डिग्री। तो ये वाला जो कंडीशन है ये 100 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ कि है तो क्या ये दोनों इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा सर, मैं मुझे बताओ कि सर 40 डिग्री ये और 40 डिग्री ये नहीं होगा क्या, 40 डिग्री ये और 40 डिग्री ये होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ जो यहाँ वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर 40 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, 40 डिग्री इस प्रश्न का आंसर है। अच्छा, हो सकता है कोई पूछे कि सर मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे सर पूरा कितना है, पूरा 75 डिग्री है, 75 में 40 निकल गया तो कितना होगा, 35 डिग्री। अगर कोई पूछेगा ये वाला कितना है, तो आप बोलोगे सर ये भी 35 डिग्री है। अच्छा, ये वाला कोई एंगल पूछे तो आप मुझे बताओ ये 100 है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 50 होगा, पूरा 50 डिग्री होगा। अरे बोल दो, पूरा 50 होगा, 50 में से 35 निकल गया तो ये कितने डिग्री का होगा सर, 15 डिग्री का होगा। और ये 15 डिग्री का तो ये भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 15 डिग्री है। देखो खिचड़ी सी बन गई पूरी अच्छी तरीके से। आप देखो ध्यान से, मैंने एक छोटे से एंगल से मैंने सारे के सारे एंगल निकाल दिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। मैं फिर से बताता हूँ कि ये कितना था, ये वाला पता अपने को पता करना था या दिया हुआ था, कितना 55, तो ये हो गया 110, ये 75 था तो 150, 150 कितना हो गया 260, तो ये कितना होगा 100। तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, 40-40 के हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि सर ये पूरा 75 है, ये ऊपर 40 हो गया तो ये कितना हो गया 35, ये 35 है तो ये भी कितना हो गया 35 हो गया, ये अगर 100 है तो ये पूरा कितना होगा 50, 50 में से 35 निकल गया 15, ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15। और आप समझ गए होंगे कि क्या कंडीशन है, ये 40 हो जाएगा 55 में से। तो करने कई तरीके हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, मिटाते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, समझोगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी लेवल के प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपको, ये कोई सीजीएल विजेल का नहीं लेवल है, ये बेसिक लेवल है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो समझो जरा क्या है। चलो देखो क्या है, कंडीशन ये है कि सर कोई एक सर्कल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ आप लोग समझ पाएँ अच्छे से। ठीक है,
दिखाई दे रहा है आपको ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिया एंगल, ट्राइंगल कोई बना लिया ट्राइंगल, बहुत ध्यान से सुनना जरा। और कौन सा एंगल है भाई ट्राइंगल, कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू और आर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई ओ पॉइंट दे दिया है, हमने इसको मिला भी दिया, हमने इसको मिला भी दिया, हमने इसको मिला भी दिया इस तरीके से। तो ये ओ है, ध्यान रखना, ओ का मतलब और जो अपना सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर का मतलब ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, पता है ना आपको, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, ये कंडीशन है कि यहाँ पर कोई पॉइंट एम बोला गया है, पॉइंट एम बोला गया है जो कि ओ आर, ओ क्यू आर, मतलब ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है इसका एंगल बाईसेक्टर है, इसका एंगल बाईसेक्टर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाला एंगल बाईसेक्टर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला एंगल कितना दे रखा है सर, ये कितना दे रखा है, 56 डिग्री दे रखा है ना, 56 डिग्री दे रखा है। और क्या दिया हुआ है, QMR, ये वाला एंगल अपने को पता करना है, ये वाला एंगल अपने को क्या करना, पता करना है, ठीक है ना। समझना जरा, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर ये तो 112 डिग्री होगा, क्यों, कि सर्कमफेरेंस पर जो एंगल, सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो आर्क द्वारा, अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें, परिधि की बात करें तो 56 डिग्री है, तो उसी के द्वारा सेंटर पर कितना बनेगा, डबल बनेगा, ट्वाइस बनेगा, तो कितना होगा, 112 हो जाएगा। अच्छा, ये 112 हो गया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये वाले एंगल दोनों इक्वल हों, ये साइड्स क्या इक्वल है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि मान लीजिए एक इस तरीके से है, ट्राइंगल बनाया हुआ है, और यहाँ पे कोई सर्कम सेंटर है, तो इस तरीके से ये वाला एंगल दोनों इक्वल होता बताया था मैंने। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा एंगल, तो आप बोलोगे सर 112 में से 112 जो है 180 में से घटा देते हैं तो ये होता है 68, 68 बता दो कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। इसका मतलब सर ये पूरा 34 डिग्री है, और ये भी कितना है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कितना है, 34 डिग्री का है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, 34 डिग्री, 34 डिग्री है। लेकिन सर एंगल बाईसेक्टर तो ये कितना हो जाएगा सर, 70 डिग्री हो जाएगा, 17, और ये भी कितना होगा, 17 डिग्री, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है इसका एंगल बाईसेक्टर है, एंगल बाईसेक्टर कोणों का समद्विभाजन कर रहा है, 17 17। तो मुझे बताओ ये वाला कितना होगा सर, 180 में से 17 17 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 घट जाएगा, तो कंडीशन कितनी बचेगी भाई, बता दो ज़रा, 180 में से 34 डिग्री घटाओगे तो 34 6 40, और 100 कितना हो जाएगा, 46, 146 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, 146 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन है इस प्रश्न का आंसर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 56 है तो 112, तो 112 तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, 34 34 का, ये एंगल बाईसेक्टर तो 17 17, तो ये कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। प्रश्न टफ नहीं है, प्रश्न बिल्कुल टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग काम कर सकते थे, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, समझ में आई बात, मिटा दिया जाए इस चीज़ को। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा, क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल इस तरीके, समझना जरा, दिखा दे रहा आपको ना सर्कल, ठीक है ना, इसके अंदर एक हमने ट्राइंगल इस तरीके से बना रखा है, एक ट्राइंगल इस तरीके से बना रखा है, और ए बी सी ये ट्राइंगल है, ए है, ये बी है, और ये सी है। बोला गया है सर्कम सेंटर कितना है, ओ है, ओ हमने मिला दिया इसको इस तरीके से, और प्रश्न बोला गया कि इसको मिला करके हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, सर्कल तक ले जाएंगे, तो ए ओ है, ये ओ पॉइंट है, इसको हमने मिलाया है कहाँ तक, सर्कल तक, और के पे इसको मिला दिया, ए डी लंब है, ए डी, अब समझना जरा, ये तो कंडीशन अलग है, लेकिन लंब की बात करोगे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखो मैं एक छोटा सा बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, रुको जरा, इसको थोड़ा सा मैं अपन क्या करते हैं साइड में ले लेते हैं ना, साइड में ज़्यादा सही रहेगा, इसको अपन इस तरीके से ले लेते हैं, ये ओ है, ये ओ है,
तो ये के पे मिलता है, इसलिए क्योंकि कंडीशन ये है कि साइड परपेंडिकुलर है, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ओ हमने कह दिया, और ये हमने क्या कह दिया, इसको हमने सिर्फ मिला दिया इस तरीके से, परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर कौन है, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर। अच्छा, बी 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, कोई बात नहीं, 80 डिग्री है। तो और क्या दिया हुआ है सर, सी 64 डिग्री है, ओके 64 डिग्री ये है। फिर हमने क्या बोला है, डी ए के ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल अपने को पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, क्वेश्चन को देखो जरा एक बार, मैं एक बार सॉल्व कराता हूँ, फ्रेम से बाहर हूँ, लेकिन आपको समझ में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि करना कैसे। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 16 डिग्री। लो इस प्रश्न का आंसर, डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 80 - 64 कितना हो जाएगा 16 डिग्री। लेकिन तसल्ली ना तो मुझे मिली है ना आपको मिली है कि 16 डिग्री आपने आंसर बोल दिया, लेकिन क्यों, अब समझ में ये चीज़ है ना, आप जो चॉकलेटी मेथड वाले होंगे वो तो खुश हो गए होंगे और लो आंसर आ गया, लेकिन कैसे आया है मैं इस चीज़ को बताता हूँ, ये 16 डिग्री कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। केवल ऐसा नहीं है, मैथ्स वो नहीं है कि यार इसको उससे गुणा कर दो, इसका भाग दे दो, ये लो आंसर आ गया, ये फिर क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसको उससे गुणा कर दो, टेढ़ा कर दो, मुढ़ा कर दो, दो से गुणा कर दो, पाँच से गुणा करके लो आंसर, ऐसा नहीं है। अब अंतर माइनस बटा दो अंतर करके आंसर दे दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो इससे सिलेक्शन होता है ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन याद करोगे, पैटर्न याद करोगे, मेथड याद करोगे, फिर क्वेश्चन का वेट करोगे कि ऐसा आएगा तो मैं लगाऊंगा, आ नहीं आए तो लो, तो ऐसी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो आप समझिए जरा ऐसा क्यों होता है और क्या है कंडीशन, मुझे बताओ कि क्या हमने ये सुना और देखा था कि सर ये एंगल अगर अल्फ़ा है और ये अगर बीटा है तो बाहर का जो एंगल होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। बोलोगे बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना देखा है, ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है, ओके। तो ये चीज़ अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने बोला कि सर ये कंडीशन यहाँ पर देखो जरा, ट्राइंगल ADC में ध्यान दो जरा, ADC में ध्यान दो सर, ये बाह्य कोण बहिष्कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा सर, 26 डिग्री का होगा क्या, अरे कलाकारों बोलो यार, ट्राइंगल ADC दिखाई दे रहा है कि नहीं, ट्राइंगल ADC नीचे लिख देता हूँ, ADC में, ट्राइंगल ADC में ध्यान दो जरा, ADC में बहिष्कोण 90 डिग्री का है, एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 64, तो इसको कितना होना चाहिए 26। अब अगर मुझे बताओ कि मुझे तो वैल्यू इसकी चाहिए, अगर ये पूरा 26 है और ये अपने को पता चल जाए, ये अपने को पता चल जाए, ये वाला पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब समझना जरा, कंडीशन ये है कि सर ये 80 डिग्री का है, कितने डिग्री का था ये 80 डिग्री का था, ये 80 डिग्री दिखाई दे रहा आपको, 80 डिग्री का था, तो हम ये कह रहे हैं कि सर अगर इसको मिला दें इस तरीके से, क्योंकि है तो सरकम सेंटर ही, ये 80 डिग्री का हो गया है, तो हमने इसको भी मिला दिया, ये भी 60, ये 64 डिग्री का है, हमने इसको भी मिला दिया इस तरीके से, समझना जरा। तो मुझे बताओ 80 का है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा सर, ये वाला जो एंगल हो जाएगा 160 डिग्री का हो जाएगा, ये 160 डिग्री का हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, डबल होगा 160 डिग्री का। तो ये बताओ कि ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री, नहीं समझे, अरे कलाकारों मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया था ना इस तरीके से कि सरकम सेंटर ये होता है, तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल होता है, मतलब ये अगर 160 डिग्री है, ये वाला 160 डिग्री है, तो इसको 10 होना पड़ेगा, इसको भी 10 होना पड़ेगा, ये पूरा कितना था 26 डिग्री, ये अंदर वाला कितना आ गया 10 डिग्री आ गया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 26 में से 10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16 डिग्री नहीं होगा क्या, बोल दो हाँ, समझ में आ रही बात, ये 16 डिग्री तो होगा, ये 16 डिग्री होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि हमने पता किया कि सर ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा 26 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 10 डिग्री का है, तो 26 में से 10 निकालोगे तो 16 डिग्री हो जाएगा। मैं फिर से देखो, आप लोग समझो जरा, कुछ इसमें था नहीं, 80 का 60 तो 10 और यहाँ पर हमने देखा कि सर ये 26 है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का 26 है, 26 में से 10 निकल गया तो कितना हो जाएगा 16 डिग्री। आप अगर रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, दो बार खुद देखोगे ना, ये मेरे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप लोग देख रहे हो कि हाँ ठीक हो रहा है, टीचर कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक हाथ और पेन दोनों का साक्षात्कार नहीं कराओगे, कॉपी पर दो चार बार करोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये एडवांस मैथमेटिक्स है, और इस पर थोड़ा सा, हालांकि मैथ्स कोई भी हो, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
ठीक है, कोई भी मैथ्स हो, आप केवल देख करके वीडियो को सोचोगे कि मैं कर लूँगा, और क्लास इस तरीके से अटेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे, अच्छे से काम नहीं करोगे, तो टीचर सिर्फ यूट्यूब पर ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, और ये क्वेश्चन आपके 2017 मेंस का है, 2017 मेंस का भाई प्रश्न, ठीक है, 2017 मेंस का प्रश्न है, ध्यान से सुनो ज़रा। देख रहे हो ना कि मैंने जो बताया था कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर से मैंने कोई चीज़ बताई है, आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मैंने वही चीज़ें बताई है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार यही तो चल रहा है अभी चैप्टर, और यही एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। क्या दिया हुआ है कि सर भुजाओं के लंब सम विभाजक हैं वो होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओ क्या है, ऑर्थो सर्कम सेंटर है, ठीक है, ओ सर्कम सेंटर है, तो हमने इसको मिला भी दिया, इस तरीके से मिला भी सकते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओ ये कोई क्या है, तीनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। बोला गया है कि ओ क्यू पी आर 65 डिग्री है, क्यू पी आर ये वाला जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है, 65 डिग्री का। तो पूछा क्या है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर का मान क्या होगा। समझना ज़रा, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता है। तो मुझे बताओ 65 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल हो जाएगा 130 डिग्री, बोलो सेम पैटर्न है, पता है आपको 130 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 130 डिग्री हो जाएगा, तो मुझे बताओ कि आपको मैंने बताया था कि सर ये वाला जो सर्कम रेडियस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा, और 25 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो 25 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है, समझना ज़रा, पूछा है कि सर यहाँ पर QOR क्यू कौन सा है, क्यू ओ और आर, ये वाला एंगल 130 डिग्री और POR P कहाँ, पी ओ और R कहाँ गया, ये वाला। अच्छा तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना ज़रा, कोई डाटा मैंने या तो मिस कर दिया है, एक बार देखना क्या है, कोई और भी एंगल दे रखा है क्या इसने, हाँ PQR 60 है, PQR ये कितना है, पूरा 60 डिग्री का है, ये पूरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो मुझे बताओ 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये बोलोगे सर 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, तो ये कितना होगा, पी ओ आर कितना होगा, 120 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। ये लो इस प्रश्न का आंसर आ गया। मुझे बताओ मेंस सीजियल मेंस 2017 में कौन सा ये प्रश्न टफ था, क्या नहीं था, बस कंडीशन ये है कि 65 है तो कितना होगा, 130 होगा, ये 60 था तो कितना होगा, 120 होगा, 130 और 120 का योगफल कितना होगा, 250 हो गया। ये तो चीज़ें मैंने आपको 25-25 ऐसे ही करके दिखा दी ताकि इसमें कुछ और पूछे तो आप पता कर सकते थे, बाकी कोई फर्क नहीं होगा, आप लोग पता कर सकते हो कि कंडीशन इसकी क्या है, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। 65 है तो 130 है, तो मैंने तो ये जनरली 25-25 बता दिया है, लेकिन एग्जाम में उसका कोई जरूरी नहीं है, 65 है तो 130, 60 है तो 120, 130, 120 का योगफल 150 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मिटा दें इस चीज़ को। ओके ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब तक एग्जाम में आया नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन आ सकता है, डायग्राम बनाते हैं इस चीज़ को। ये कुछ इस तरीके से है, ये ए है, ये बी है, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और क्या है, ये थीटा है, ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ठीक है, और बी डी सी बराबर बी डी है, बी सी बराबर बी डी, ये वाला एंगल जो है बी सी बराबर डी सी, ये बी सी बराबर डी सी है। अब समझना ज़रा क्या पूछा गया है, उसको देख लो जरा, थीटा का मान पूछा है, ओके, तो मुझे बताओ ये थीटा है तो थीटा के सामने अगर ये वाली साइड है तो इस थीटा के सामने भी क्या होगा, ये वाली साइड है, साइड इक्वल है ना, तो ये वाला इसके सामने ये है तो ये भी इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, मतलब कोण भी एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा अब मुझे बताओ ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को समझना जरा, तो ये है क्या, ये है सरकम, अरे क्या है ये, सरकम सेंटर ही तो है, सरकम सेंटर बोले तो परिकेंद्र, परिकेंद्र बोले तो सरकम सेंटर, क्या क्या बोलूँ मैं, सरकम सेंटर,
ठीक है, सी एन टी आर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कंडीशन ये है कि सर ये वाली जो साइड होगी और ये वाली साइड होगी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। तो ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 20 डिग्री होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। अगर 20 20 40 हो गया तो ये वाला कितना होगा सर, 140 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोल दो। हाँ, 140 डिग्री ये है। तो मुझे बताओ कि यहाँ समझना जरा, ये सेंटर पे अगर 140 है तो ये कितना होगा सर, 70 डिग्री होगा। बस आंसर आ गया, ख़त्म है कहानी, बोल दो। हाँ, ये तरीका समझ में आई कि नहीं बात। हमने बोला कि सर कंडीशन ये है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 20 डिग्री अगर है क्योंकि सरकम सेंटर है ना, ये सरकम सेंटर है, तो कंडीशन होगी कि ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 हो गया, 40, तो ये कितना हो जाएगा, 140। अब मुझे बताओ कि इस चीज़ का डबल होता है, तो ये 140 है तो यहाँ पे कितना होगा, 70 होगा। बस ट्राइंगल बी डी सी में देखो, ट्राइंगल बी सी डी में देखो, इन ट्राइंगल बी सी डी यहाँ पे 2 थीटा, देखो 2 थीटा कैसे, थीटा प्लस थीटा प्लस 70 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप कहोगे सर 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 बटा 2 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, और ये 55 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे होल्ड करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताना, और कुछ चीज़ें हमने थोड़ी सी इस चीज़ को हमने थोड़ी सी इस तरीके से वेल अरेंज मैनर में आपके सामने आ रहा है। वेल अरेंज मतलब पहले मेथड उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो ये एक और प्रैक्टिस सेशन हम लोग रखेंगे इस प्रश्न में। ये जो सरकम सेंटर चल रहा है, सर्कम सेंटर का थ्योरी मैंने कल बताया था, इससे पहले पहले क्लास में थी, ये प्रैक्टिस हो गया, 6-7 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6-7 क्वेश्चन की और मैं थ्योरी करा दूंगा, तो अब क्या होगा कि सर्कम सेंटर पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। और ध्यान रखना, एग्जाम में पक्का प्रश्न पूछता है, इतने ईजी ईजी क्वेश्चन पूछेगा ना, 70 है तो बताओ कितना होगा, 140। तो मैंने तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दिए। तो घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। धन्यवाद।